कि मेरे बाबा श्याम कहते हैं एक बात कि बहुत सारे भक्त हैं मेरे, 4 बजे उठते हैं सुबह बहुत सारे लोग, कोई देवी का मंदिर में जाओ है, कोई बाबा श्याम के मंदिर में जाओ है, कोई भोले का मंदिर में जाओ है, कोई किते जाओ है, कोई किते जाओ है, और घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते। मेरे बाबा एक बात कहते हैं, जो इंसान घर में माँ बाप की कदर नहीं जानता है और हर रोज मेरे दरबार में आता है, कभी अगरबत्ती लगाता है, कभी धूप लगाता है, कभी दिया जगाता है, कभी घंटियां बजाता है, कभी मेरे लिए भूखा मरता है, व्रत रखता है, उस इंसान के मैं आसपास भी नहीं हूं। ये बाबा खुद कहता है, अरे जो इंसान घर में बैठ के माँ बाप की सेवा करता है और कभी भूल कर भी मेरी चौखट पर नहीं आया है, मैं खुद जाता हूं उसकी चौखट पर और कुंडी खुड़का के बोलता हूं, बेटा दरवाजा खोल, तू मेरे काबिल है। मैं नहीं कहता, मेरा बाबा कहता है। आइए, माँ बाप और हुसन जवानी जिंदगी में एक बार मिलती, बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। क्या बात है। और बड़े नसीब वाले मानता हूं मेरी बहनों, मैं उन लोगों को जिनके पास माँ है या पिता है, और भाइयों बड़े बदनसीब मानता हूं लोगों को जिनके पास पिता नहीं या माँ नहीं। आपका भाई भी दुनिया का वो बदनसीब है जिसके पास माँ नहीं है। 1 फरवरी 2016 को मेरी जन्नी मैया, जिसने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, संसार से विदा हो गई, लेकिन आप सब मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं। आइए मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप भी आशीर्वाद दें और मेरे साथ ये पावन भजन गाएं। रिकॉर्ड करना है तो इसे भजना न करा करो, छड़दम वाले भजन तो बाद में भी गा देंगे। नचाना कोई बड़ी चीज नहीं मानता मैं, कोई खास बात को नहीं, बाँ पकड़ पकड़ के 4 बकूंगा नाचो नाचो नाच देंगे ये, लेकिन भजन क्या होता है, जो दिल में उतर जाए उसी का नाम भजन है। नचाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब नाचेंगे जब तो तुम सारे वीडियो बनाओगे, ज्ञान की बात आओगे ना सूत्री सुनन की, फिर जमा नहीं बनाओ। अच्छे भजन है, जिन भजनों के अंदर भाव हो उनको रिकॉर्ड कीजिए, अपने बच्चों को सुनाए। आइए सुनिए बड़ा प्यारा भजन कैसे लिखा है। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, आइए जिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो भी, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है वो भी। ये मत सोचना माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया तो वो चले गए, माँ बाप का साया हमेशा औलाद के सर पे रहता है। भले ही मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है, लेकिन आसपास में चारों तरफ मेरी माँ का विश्वास जो जिंदा है वही मेरी ताकत है। आइए मेरे साथ मिलकर गाएं, बड़ा प्यारा भजन क्या है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, नरेश जी, नरेश जी, एक मिनट प्लीज, एक बार दोनों हाथ उठाओ, सारे उठाओ, मिलके चलेंगे। 1 2 3 4 तालियों के साथ ये। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। और उसके माइक दोनों भाई, मीठी मीठी ताली बजाइए अपने अपने माँ बाप के लिए। क्या बात है, जय हो। मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप हरि का, मात पिता हो रूप पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका, पार तिरण का एक तरीका। नू वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा, वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं तो पिता की सेवा।
बस दस दिन की सह जिंदगानी बस दस दिन की सह जिंदगानी बस दस दिन की सह जिंदगानी बस दस दिन की कदर करे ना जो नर इनकी 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 वो फिरता मारा की सेवा फिरता मारा मारा रे करो मात पिता की सेवा ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। बहुत सारे लोग गंगा नहाने के लिए हरिद्वार जाता है, कोई काशी जाता है, लेकिन गीता के अंदर एक बात लिखी हुई है, सारा खेल कर्मों का है। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे दुर्भू माते संगोत्सव कर्मणी बंदे कर्म करने का अधिकारी फल पाने का नहीं। अगर गंदे कर्म करोगे और बाबा के चरणों में आकर के बाबा से कहोगे बाबा ताड़ी भी बजाऊं भजन भी गाऊं हूं हाथ भी ठाऊं बाबा कल्याण करिए हाथा की रेखा बदलिए, बाबा नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे कर्म सही नहीं होंगे बाबा क्या करेंगे। बाबा एक बात कहते हैं, बेटा कर्म सही कर सारा काम ठीक होगा। जितने तीर्थ तू करता फिर है नहीं करने की जरूरत है, मन करे तो कर, लेकिन सबसे पहले माँ बाप की सेवा कर। मेरे बाबा कहते हैं क्या, जितने तीर्थ दुनिया भर में 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 सबके सब हो अपने घर में सबके सब हो अपने घर में सबके सब हो अपने घर में है आनंद गंगा धारा रे करो मात पिता की सेवा बहे आनंद गंगा धारा रे करो मात पिता की सेवा ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। ओ हो धर्मराज की अदालत मेरे धर्मराज की अदालत मेरे ओना एक दिन पेश होने कोई वकील ना मिले ओने कोई वकील ना मिले झूठ कपट बेईमानी के तेरे झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चले केस बंदे थोड़ी विधि इसीलिए अंत में लिखा है सभी गाने मेरे साथ रम धन जे चावे सुख न्यारा रम धन जे चावे सुख न्यारा रम धन जे चावे सुख न्यारा पिता का प्यारा रहिए मात पिता का प्यारा रहिए मात पिता का प्यारा रहिए मात पिता का प्यारा नियम गुरु समझा रहा रे करो मात पिता की सेवा ओम गुरु समझा रहा रे करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा मिलते बोले अपने अपने माँ बाप की जय हो सच्चे दरबार की हो। अरे माँ बाप का जयकारा तो हंगा लागला दे कम से कम, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। बोल सच्चे दरबार की उरले दुन में मेरी चाची ताई हैं बुआ बाण बेटी हैं बैठी हैं दोनों का जय हो और उरले खेसी वाले दोनों का है चाह